तो आज हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, ठीक है, और वो भी क्रेग्नार्ड रिएजेंट से, कि हम अल्केन को कैसे प्रिपेयर करेंगे और वो भी क्रेग्नार्ड रिएजेंट से, ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर से लेक्चर नंबर 6, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन लेक्चर नंबर 6, ठीक है। अल्केन को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, क्रेग्नार्ड रिएजेंट से, ठीक है, ठीक है। द रिग्नॉन्स रिएजेंट्स क्या है, ये हमारे पास है RMgX, ठीक है। एक्स जो है ना ये हेलोजन हेलाइड से निकले, आर जो है ना ये अल्काइल ग्रुप से, और एमजी जो है ना ये मेटल से, ठीक है। और इसको हम कहते हैं ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स, ठीक है, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स हम इसको कहते हैं कि कार्बन डायरेक्टली बॉन्ड हो मेटल के साथ, तो उनको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स, ठीक है। ये RMgX जो है ना, इसको हम आपको अल्काइल ग्रुप से, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि मिथाइल मैग्नीशियम हाइड्राइड, इस तरह भी लिख सकते हैं इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं प्रोपाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, और इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, और इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, सारे ये ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट्स है, और पहले हम इससे हम अल्केन्स को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट्स जो है ना वो हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट्स जो है ना वो हम अल्काइल हैलाइड से प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। किस तरह, यह देखिए कि ये हमारे पास है एक RMgX, इनको हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, ये हमारे पास क्रेग्नार्ड्स रिएजेंट्स है, इनका हम छोटा सा मैकेनिज्म पढ़ेंगे। ये हमारे पास है अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है, अल्काइल हैलाइड से मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट किया और ड्राई ईथर यूज किया, तो क्या बना RMgX, ये क्या है, ये ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट्स है। तकरीबन लगभग जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से वो ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट से तैयार होते हैं, प्रिपेयर से होते हैं, ठीक है। तो इसको पहले करना है कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ना ये R और X है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा और एक्स के ऊपर जो है ना माइनस चार्ज, ठीक है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिया। अब यहां देखिए, यहां मैग्नीशियम से, ठीक है, अब मैग्नीशियम के अपडक्शन में दो इलेक्ट्रॉन है और मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, ठीक है, मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, यहां दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसको देता है, तो ये क्या हो जाता है, ये न्यूट्रल्स हो जाता है, और ये हम यहां लिख देते हैं कि ये फ्री रेडिकल्स बन गए, ठीक है। अब यहां एमजी ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो उन पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और एक लोन पे अगर एक इलेक्ट्रॉन तो इनके पास है, तो वो हमने यहां लिख दिया। अब बचा एक्स, ठीक है, तो एक्स को हमने यहां लिखा, और इनके ऊपर एक्स के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो अब यहां देखिए कि ये जो है ना, यहां ये लोन पे लोन पे फ्री रेडिकल है, तो ये बॉन्ड बना देगा, ठीक है, और यहां प्लस माइनस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये बॉन्ड बन जाएगा। तो ये क्या, ये हम इस तरह लिख सकते हैं कि RMgX, ठीक है,
ठीक है, ये बॉन्ड जो है ना ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बना हुआ है, कंप्लीट ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है, तो इसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड्स, आयनिक बॉन्ड। और इस तरह भी कह सकते हैं कि एक मेटल नॉन मेटल्स के दरमियान जो बॉन्ड हो वो आयनिक बॉन्ड से बना हो, और ये बॉन्ड जो है ना इसमें 50% कैरेक्टर्स आयनिक है और 50% कैरेक्टर्स जो है ना वो कोवेलेंट है। कैसे, किस तरह? तो 50% आयनिक इसलिए है कि ये मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान बना है, ये मेटल्स है और ये नॉन मेटल्स है। दूसरा याद रखना कि मेटल्स की टेंडेंसी होता है कि वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, और 50% कोवेलेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। तो हमने ये इस तरह लिख दिया, ये हमारे पास जैसे हो गया, हम इस तरह लिख सकते हैं क्योंकि इस पर पार्शियल पॉजिटिव, इस पर पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, ये गेन कर देता है, तो इस टाइम पर हमने पार्शियल से चार्जेस लगाए। अब इससे हम अल्केन को कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो यहाँ देखिए, ठीक है, ये तो सारा कहानी था जो मैंने बताया। अब यहाँ देखिए कि अल्केन को हम, इससे हम अल्केन कैसे प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, तो अल्केन को कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो ये हमारे पास है ये, ठीक है, ये हमारे पास है CH3NG, CH3MgBr, इनके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, ये RMgX, ठीक है। अब यहाँ ये हमारे पास है HOH, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसको उपयोग करके ये क्या आएगा, ये इसके साथ लग जाएगा, तो ये CH3 है और एक H ये आया, तो ये क्या बना, CH4 बना, और क्या बनेगा, ये एम जी एक बी आर तो इसके पास से, ठीक है, और ये ओ एच माइनस यहाँ आके तो क्या बन जाएगा, ये ओ एच यहाँ हम लगाएंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव, इसलिए हम यहाँ नहीं लिखते, तो हमारे पास बन गया मीथेन, और मीथेन क्या है, ये अल्केन का फर्स्ट मेंबर है, ठीक है। अब दूसरा यहाँ देखिए कि दूसरा मैंने ले रहा हूँ, ये हमारे पास है C2H5 इथाइल Mg आयोडाइड, इसको हम लेते हैं। अब हाइड्रोजन कहाँ कहाँ से लेना है तो वो आपकी मर्जी है, हम वाटर से भी हाइड्रोजन ले सकते हैं और अल्कोहल से भी क्या अल्कोहल से भी हम, ये अल्कोहल है, ठीक है, अल्कोहल से भी हम हाइड्रोजन प्रोटॉन ले सकते हैं, ठीक है, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और ये तो ओ है, तो इनके ऊपर नेगेटिव, इनके ऊपर पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव यहाँ आएगा, ठीक है। जब ये यहाँ आ जाए तो ये C2H5 पे एक हाइड्रोजन आया तो क्या होंगे, C2H6, ये क्या है, इथेन, और इथेन क्या है, दूसरा मेंबर है अल्केन का, और ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा Mg एक तरफ आयोडीन और दूसरी तरफ हम क्या लगाएंगे, ओ C2H5, ये माइनस प्लस जो है ना वो खत्म, इससे भी ले सकता है। तीसरा जो है ना हम ये ले सकता है CH3CH CH3, ये क्या है, ये प्रोपाइल से मैग्नीशियम क्लोराइड्स, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इनके ऊपर पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, और इससे हम इन H3 से भी ले सकते हैं H2, और एक तीसरा क्या है NH3, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जब इसको तो ये यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आएगा, तो ये क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH3, एक हाइड्रोजन का एक ये आया है तो ये CH2 बन गया है, 1 2 3, ये क्या है प्रोपेन, तीसरा मेंबर है किसका, तीसरा मेंबर है अल्केन्स का, ठीक है। और क्या बचेगा, ये MgCl और ये NH2। दूसरी बात ये है कि
NH3 तो बेस से वो क्यों एच प्लस देगा? तो दूसरा ये है कि ये जो CH3 है ना, CH3 माइनस, इसको ये CH3 माइनस जो है ना, ये भी हम यहाँ ये माइनस, ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल्स है। न्यूक्लियोफाइल्स किसे कहते हैं? जो न्यूक्लियस से लग करते हैं, जिन्हें प्रोटॉन चाहिए। और ये CH3 माइनस, ये जो हमने यहाँ लिखा है इसके बाद का ये CH3 माइनस, ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल्स है क्योंकि प्रोटॉन से लग करते हैं, प्रोटॉन चाहिए। और एक अच्छा बेस भी है, बेस इनको हम कहते हैं जो प्रोटॉन की सर्च, प्रोटॉन्स की तलाश में है कि वो अपने साथ कंबाइन करें। ठीक है, तो ये एक मतलब है कि ये एक न्यूक्लियोफाइल्स भी है और ये एक बेस भी है। नहीं, न्यूक्लियोफाइल और बेस नहीं, बात है कि न्यूक्लियोफाइल और बेस तो दूसरे चीज में। ठीक है, तो हम यहाँ कहेंगे कि इसको मतलब इसको कौन सा हाइड्रोजन चाहिए, इसको मतलब है कि बेस से उनको कौन सा हाइड्रोजन चाहिए, उनको एक्टिव हाइड्रोजन या एसिडिक हाइड्रोजन चाहिए। एसिडिक तो यहाँ से आया, एच प्लस यहाँ से आया। तो एक्टिव हाइड्रोजन क्या है? एक्टिव हाइड्रोजन वो हो कि हाइड्रोजन लगा हो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, जैसे कि फ्लोरीन से हाइड्रोजन लगाओ तो वो एक्टिव हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्लोरीन ब्रोमीन इससे हाइड्रोजन लगाओ तो कौन सा वो एक्टिव हाइड्रोजन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अल्केन्स को प्रिपेयर करेंगे। अब चलते हैं फोर हाउस सिंथेसिस से। ठीक है, फोर हाउस सिंथेसिस से हम क्या क्या करते हैं तो वो हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब चलते हैं कि फोर हाउस सिंथेसिस से हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास है फोर हाउस सिंथेसिस। फोर हाउस सिंथेसिस से हम प्रिपेयर क्या करते हैं? अनसिमेट्रिकल अल्केन, अनसिमेट्रिकल अल्केन्स। हमने मतलब के जितने फोल्ड रिएक्शन पढ़े थे, वर्ड्स पढ़े थे, तो उनसे इवन नंबर सिमेट्रिकल प्रकार अल्केन्स बने थे, इनसे अनसिमेट्रिकल अल्केन बनते हैं। कोरे हाउस हमारे प्रोपेन इस तरह हम बना सकते हैं, पेंटेन बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम ये बना सकते हैं। कोरे हाउस में जो रिएजेंट्स होता यूज होता है इनको हम कहते हैं गैलियम रिएजेंट्स, गैलियम रिएजेंट्स, उनको हम क्या कहते हैं? गैलियम रिएजेंट्स। और गैलियम रिएजेंट्स जो है ना वो हमारे पास ये है, डाई अल्काइल, डाई अल्काइल लिथियम क्यूब्रेट, लिथियम क्यूब्रेट, इससे हम मतलब के अनसिमेट्रिकल अल्केन बनाते हैं। यानी किस तरह ये बना सकते हैं CH3, CH2, CH3 ये बना सकते हैं। ठीक है, ये बना सकते हैं CH3, CH, CH3, CH2, CH3 ये बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं। ठीक है, इसको न्यू पेंटेन कहते हैं। तो हम ये अनसिमेट्रिकल अल्केन्स बना सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं ट्राई करते हैं कि हम इससे ये कैसे बना सकते हैं, पहले हम ये कैसे प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं स्टार्टिंग से। तो पहले हम गैलियम रिएजेंट्स प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, और उनके बाद जो है ना हम लेंगे कि हम इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास है अल्काइल हैलाइड्स, उनको हमने लिथियम के साथ क्या क्या रिएक्ट किया, लिथियम के साथ क्या क्या रिएक्ट किया। और यहां हमने क्या यूज किया? ड्राई ईथर यूज किया।
तो इसको भी टू माने, ये टू माइनस देना है, ठीक है, ये भी टू लेना है, तो ये हमारे पास बन जाएगा सी एच थ्री एल आई, टू सी एच थ्री एल आई प्लस एल आई बी आर लिथियम ब्रोमाइड, ये बन जाएगा। अब ये जो बना है ये टू सी एच थ्री एल आई, इसको हम रिएक्ट करेंगे कॉपरस ऑक्साइड, इसको हम क्या कहते हैं कॉपरस ऑक्साइड, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सी एच थ्री कॉपरस, ये बन जाएगा, और क्या बचा, ये तो दो मॉलिक्यूल्स थे, बच गया लिथियम और आयोडाइड, लिथियम के दो मॉलिक्यूल्स थे ना, तो एक ये एक ये दो मॉलिक्यूल्स, सेस थ्री भी दो थे, ये भी यहां दो आए, आयोडाइड और आयोडीन बनता यहां ये, तो ये जो बना ये क्या है, ये हमारे पास गैलियम रीजन से, ये वो आर आर है, ये सी यू है, ये एल है, डाई अल्काइल लिथियम क्यूप्रेक्स, ठीक है। तो इससे हम अब क्या बना सकते हैं, इससे हम अल्केन्स बनाएंगे, ठीक है, इससे हम क्या बनाएंगे, अल्केन्स बनाएंगे, ठीक है, इससे हम अल्केन्स बनाएंगे। ये जो रीजेंट से, इनसे हम अल्केन बनाएंगे, ये रीजेंट है सी एस थ्री सी यू एल आई, ये क्या है सी एस थ्री। अब आपको पता होगा कि मेटल्स जो है ना वो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, तो उनके ऊपर हम पार्शियल पॉजिटिव, इनके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इनके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज लगाएंगे। अब इनके साथ हम क्या रिएक्ट करेंगे, इनके साथ अब हम रिएक्ट करेंगे कि ये है ब्रोमीन सीएच टू सी एच थ्री अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है, क्या है अल्काइल हैलाइड्स, तो हैलोजेंस का तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज और इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लग जाए, ठीक है। अब यहां देखिए क्या होगा कि ये सी एच थ्री यहां आएगा, इस पर अटैक करेगा, तो ये क्या, ये सी एच थ्री जब यहां आ जाएगा तो ये बन जाएगा सी एच थ्री सी एच टू सी एच थ्री, ये क्या बन गया, ये बन गया प्रोपेन्स, और ये हो गया, ये कंबाइन हो जाएगा सी एच थ्री सी, ये कंबाइन हो जाएगा, तो वो चार्ज के ऊपर खत्म, और दूसरा क्या, ये लिथियम और ब्रोमीन, तो ये क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया अल्केन्स। इस तरह हम रेफरेंस ले सकते हैं, उनसे अल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते, ठीक है। तो दूसरी बात बतानी थी कि यहाँ कौन सा मतलब हुआ है, यहाँ हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN2 रिएक्शन हुआ है, क्योंकि यहाँ ब्रोमीन अभी निकला नहीं है कि सी मिथाइल आया है, तो दो मॉलिक्यूल से नाल थे, एक पूरा नहीं निकला और दूसरा पूरा एंटर नहीं हुआ, तो उसको हम SN2 रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था, तो हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, मतलब के जितने भी अल्केन्स का प्रिपरेशन थे वो पढ़ लिए, पहले हमने पढ़ा था वॉर्स रिएक्शन और इनमें फ्रेंटलैंड रिएक्शन भी पढ़ा था, फैटिक रिएक्शन भी पढ़ा था, ठीक है। अब दूसरा जो है क्लोब्स इलेक्ट्रोलाइट्स था, फिर था सोडा लाइम्स, और इनके बाद हमने पढ़ा था क्लेमेंशन रिडक्शन, फिर वोल्केफनर वोल्केशनल रिडक्शन, फिर रिडक्शन ऑफ अल्किन और अल्काइन से हो गए, सिक्स जो लेक्चर्स था वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स और फोर हाउस सिंथेसिस, ठीक है। तो ये हमारे लेक्चर्स था, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल हमारे एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारे हर नए आने वाले वीडियोज आप तक पहुँच सके। थैंक्स।